नमस्कार दोस्तों, आयुष स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग एडुटेरिया का बिहार हिस्से के लिए प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। तो आज तक हम लोगों ने एक सेट नंबर एक और दो को डिस्कशन कर लिया है, तो आज हम लोग जो है सेट नंबर तीन का डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए हम लोग आज सेट नंबर थ्री का जो है डिस्कशन करते हैं। वीडियो को थोड़ा जूम कर लेते हैं हम लोग ताकि क्वेश्चन आप लोग को आराम से दिखे। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है। पूछ रहा है कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है। तो ऑप्शन है पंचायतों का चुनाव करवाना, ये पहला ऑप्शन है गलत है, क्योंकि पंचायत का चुनाव जो है राज्य निर्वाचन आयोग करवाना, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसमन करना ये चुनाव आयोग का काम होता है भारतीय चुनाव आयोग का, मतदाता सूची भी भारतीय चुनाव आयोग तैयार करवाता है, और राजनीतिक दलों का पंजीकरण भी जो है भारतीय चुनाव आयोग करवाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है एक ही सही गलत है, ये राज्य चुनाव आयोग का उत्तरदायित्व होता है करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण कौन करता है, लेता है। तो ये जो है राष्ट्रपति जो है संविधान और विधि के परिरक्षण का, संरक्षण का और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था। तो ये जो है 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1992 में लाया गया था, और इसको लागू जो है 24 अप्रैल 1993 को किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति जो है त्रिस्तरीय संरचना पंचायती राज संस्थानों के लिए त्रिस्तरीय संरचना का सिफारिश करने वाला पहला समिति था। एलएम सिंघवी समिति जो है पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न में से कौन सही है। तो ऑप्शन है, यदि एक यह लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं होता है। यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि यदि यह लोकसभा में पारित कर दिया जाए अविश्वास प्रस्ताव तो मंत्रिपरिषद को जो है त्यागपत्र देना पड़ता है। दूसरा ऑप्शन है, यदि यह किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये इसको जो है सिर्फ पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है, ना कि सिर्फ एक मंत्री या फिर किसी मंत्रिपरिषद के समूह के विरुद्ध। तो ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है, लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य है। ये भी गलत है, क्योंकि लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन चार नंबर सही है, इसको लोकसभा में स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्य का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। तो इसमें से जो है 5/6 सदस्य का जो है अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, 5/6 सदस्य का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, और 1/6 का प्रत्यक्ष चुनाव होता है। अभी जो है वर्तमान में सिर्फ 6 स्टेट में विधान परिषद लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया। तो ये जो है 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा जो है सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति के सिफारिशों में निम्न में से कौन शामिल नहीं था। तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है पंचायती राज में सभी स्तरों पर राजनीतिक पार्टियों की आधिकारिक भागीदारी हो, कि ये उसमें शामिल किया गया था, सिफारिश उसमें ये था कि सभी राजनीतिक पार्टियों का पंचायती चुनाव में सभी स्तर पर उसमें भागीदारी हो, ये उसमें कहा गया था। दूसरा ऑप्शन है, अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज संस्थानों के पास कराधन की अनिवार्य शक्ति हो, ये भी उसमें सिफारिश में शामिल था। तीसरा है, किसी स्तर पर कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होना चाहिए, तो ये जो है उसमें अशोक मेहता समिति में ये सिफारिश नहीं था। चौथा है, पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए, तो ये भी उसमें शामिल था। तो इसका आंसर सी जो है, ये शामिल उसमें नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूची एक को सूची दो से मिलाने के लिए बोल रहा है, और ये मिलाते हैं। तो मल्ल कराधानी जो है इसमें कुशीनगर है, कंबोज की राजधानी हाटक है,
असमक का राजधानी पुटली है, पंचाल का राजधानी जो है अही छत्र है, और मगध का राजधानी जो है गिरिवृज है। तो इसका ऑप्शन होगा एक का चार, तो पहला ही ऑप्शन देख लीजिए, दो नंबर ऑप्शन में पहला का चार होगा, ये ऑप्शन सही है, 4-2-1-5-3, 4-2-1-5-3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से समृद्ध नहीं था? अश्वघोष जो है वो कनिष्क के दरबार से संबंधित था, चरक भी संबंधित है, नागार्जुन भी जो है कनिष्क के दरबार में रहते थे, पतंजलि जो है ये शुंगकालीन विद्वान थे, तो ये जो है उनके दरबार में से संबंधित नहीं थे। तो इसका ऑप्शन नंबर चार सही है, ये कनिष्क के दरबार में नहीं रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिजरी संवत आरंभ हुआ था, तो इसको जो है पैगंबर साहब के मक्का से मदीना प्रस्थान के उपलक्ष्य में इसको आरंभ किया गया था, तो इसका आंसर चार नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो सूची एक को सूची दो से मिलाने के लिए बोल रहा है, तो बल्लभा चाल जो है पुष्टि मार्ग से संबंधित है, रामानुजाचार्य जो है विशिष्ट द्वैतावाद से संबंधित है, मध्यवाचार्य जो है द्वैतावाद से संबंधित है, और शंकराचार्य जो है अद्वैतावाद से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा एक का दो, दो का तीन, तीन का एक और चार का चार, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था, ऑप्शन नंबर एक सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि नीचे दिए गए घटनाओं पर विचार कीजिए तथा दिए गए पुट का प्रयोग कर उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित, मतलब कालानुक्रम में व्यवस्थित करने के लिए बोल रहा है। तो बंगाल विभाजन प्रभावी जो हुआ था 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को ये प्रभावी हुआ था, दिल्ली से कोलकाता जो राजधानी जो है स्थानांतरण हुआ था 1911 ईस्वी में, कांग्रेस का विभाजन जो है 1907 ईस्वी में हुआ था, और मुस्लिम लीग का गठन जो है 1906 ईस्वी में हुआ था। तो इसमें पहला नंबर होगा एक, एक नंबर होगा, फिर चार नंबर होगा, फिर तीन नंबर होगा, फिर दो नंबर होगा, तो एक चार तीन दो, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही है, सी और डी दोनों दिया गया, तो इसमें से दोनों में से कोई होगा एक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को फांसी किस षडयंत्र केस के तहत दिया गया था? तो इनको जो है काकोरी षडयंत्र केस के अंतर्गत जो है फांसी का सजा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कहा था देशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो ये जो है महात्मा गांधी ने कहा था, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने बंगाल एवं बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो ये जो है अकबर जो है बंगाल और बिहार को 1576 ईस्वी में मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांवों के शासनों को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था? तो इसको जो है स्टार्ट द्रविड़ों ने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1767 में स्टार्ट हुआ था और 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि के तहत जो समाप्त हुआ था, इसमें कौन विजयी हुआ था? तो इसमें जो है हैदर अली विजयी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो इसको जो है सर विलियम जोन्स ने प्रथम बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। सर विलियम जोन्स जो है वारेन हेस्टिंग्स के समय जो है कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए थे, इनकी प्रेरणा पर ही 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी और ये स्वयं इसके सभापति नियुक्त हुए थे। 1789 ईस्वी में ये जो है कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुरंड रेखा किन दो देशों की सीमा है? तो ये जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा है, इसकी लंबाई जो है 2430 किलोमीटर है, भारत और अफगानिस्तान भी जो है 106 किलोमीटर की डुरंड रेखा की सीमा साझा करता है जो लद्दाख के से सीमा बनाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं बोल रहा है इसमें से? तो गोरखपुर जो है राप्ती नदी के किनारे है, ये बिल्कुल सही है। लुधियाना सतलज नदी के किनारे है, ये भी बिल्कुल सही है। जबलपुर जो है नर्मदा नदी के किनारे है, तो ये इसमें से ये गलत होगा, ये नर्मदा नदी के किनारे है। सूरत ताप्ती नदी के किनारे है, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी, जबलपुर सोन नदी के किनारे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु ज्वार भाटा कब उत्पन्न होता है? तो ये जो है अर्धचंद्र के समय उत्पन्न होता है, जब सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे के लंबवत होता है, तभी लघु ज्वार भाटा जो है उत्पन्न होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर एक सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु की सहायक नदी नहीं है? झेलम जो है सिंधु की सहायक नदी है, सतलज भी सिंधु की सहायक नदी है, चेनाब भी सिंधु की सहायक नदी है, इंद्रावती जो है ये सिंधु की सहायक नदी नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर चार जो है सही होगा। पश्चिम से सिंधु की प्रमुख सहायक नदियाँ जो है काबुल तथा कुर्रम भी जो है पश्चिम से सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु की मुख्य रूप से पाँच सहायक नदियाँ हैं, झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन का कारण क्या होता है? तो ये जो है पृथ्वी के अक्ष का इसके कक्ष में समतल की ओर झुका होना ही जो है मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन का कारण होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर चार जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंकन दर्रा किनके बीच स्थित है? तो ये जो है दक्षिण और लिटिल अंडमान द्वीप समूह के बीच स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। यह हिंद महासागर की एक जल संधि है, यह लगभग 48 किलोमीटर जो है चौड़ा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लगभग जो है 572 छोटे द्वीप समूह हैं, 572 छोटे द्वीप समूह जो है अंडमान निकोबार में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करने के लिए बोल रहा है। तो भील जो है राजस्थान की जनजाति है, गोंड जो है छत्तीसगढ़ की है, लिम्बुस जो है सिक्किम की है और कोनियाक जो है नागालैंड की है। तो इसका आंसर होगा एक दो तीन चार एक। तो ऑप्शन नंबर एक जो है इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लार्वा का निर्माण हुआ है। तो ये जो है क्रिस्टेशियस युग में जो है दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लार्वा शैलों का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। कांडला को जो है एशिया का सबसे बड़ा पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र 1965 ईस्वी में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य था कि निर्यातित वस्तुओं के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करना ताकि वे जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपना स्थान बना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने के उचित और प्राथमिक मूल्य यानी कि FRP निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है? तो ये जो है आर्थिक मामलों के कैबिनेट कमेटी जो है FRP अनुमोदित करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर एक जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सूची एक को सूची दो से सुमेलित करने के लिए बोल रहा है। तो आर्थिक विकास जो है संरचनात्मक परिवर्तन से संबंधित है, आर्थिक वृद्धि जो है सकल घरेलू उत्पाद से संबंधित है, संपोषित विकास जो है पर्यावरण से संबंधित है और जीवन की गुणवत्ता स्वास्थ्य से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन होगा 4, 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर चार जो है सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है। तो ये जो है अस्फीति के साथ जो है युग्मित होता है आर्थिक विकास। ऑप्शन नंबर दो इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें और मौद्रिक आय दोगुनी हो जाए तो वास्तविक आय जो है वो परिवर्तित रहती है, क्योंकि बढ़ी हुई कीमत जो है बढ़ी हुई मौद्रिक आय को प्रति संतुलित कर देता है, इससे वास्तविक आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किस तत्वों की प्रचुरता है?
पृथ्वी के जो मुख्यतः तीन परत का बना होता है, भूपट्टी जो होता है ऊपर वाला वो सियाल का बना होता है, उसको सिलिकम और एल्यूमिनियम का बना होता है, और सेकेंड परत जो होता है मेटल का बना होता है, और कोर जो होता है वो निफे का बना होता है, निकेल और फेरम का। तो इसमें से जो बोल रहा है आंतरिक परत, तो इसका ऑप्शन नंबर चार जो है निकेल और फेरम का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना इसमें इनमें से किसने प्रस्तुत की थी। ये जो है डब्ल्यू एम डेविस ने जो है अपरदन चक्र की संकल्पना को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है। तो ये जो है जावा द्वीप के समानांतर स्थित है, इंडोनेशिया के जावा द्वीप के समानांतर जो है सुंडा गर्त जो है हिंद महासागर में स्थित है। यह हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है, इसकी गहराई लगभग जो है 7725 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक दूध उत्पादन में भारत का स्थान क्या है। तो विश्व के कुल दूध उत्पादन में जो है भारत प्रथम स्थान पर है। यह जो है पूरे वर्ल्ड का 23% दूध जो है भारत में उत्पादित होता है। दूसरे स्थान पर अमेरिका है और तीसरे स्थान पर जो है पाकिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटल आवासीय विद्यालय योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो ये जो है उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है अटल आवासीय विद्यालय योजना। इस योजना के तहत जो है अनाथ आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को शिक्षा दिया जाता है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर चार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा दो मुंह वाले सफेद बौने तारे का पता लगाया गया है, इसका नाम जो है जानुस है। इसका नाम जो है जानुस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। ये जो है राज सुब्रमण्यम को प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। प्रवासी भारतीय दिवस जो है प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है। तो भारत का स्थान इसमें 85वां है। यह सूचकांक जो है हेनले एवं पार्टनर्स द्वारा जारी किया जाता है। सूचकांक में जो पहले स्थान पर सिंगापुर है, दूसरे स्थान पर जर्मनी और तीसरे स्थान पर जापान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई सारस मोबाइल ऐप किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। तो ये जो है केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ओमान चांदी का निधन हो गया है, यह किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो ये जो है केरल के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये कांग्रेसी नेता थे जिनका कि निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉकी जूनियर इन एशिया कप 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। हॉकी इंडिया जूनियर कप 2023 जो है पुरुष एकल का खिताब का आयोजन जो है ओमान में किया गया था। यह इसमें जो है भारत ने पाकिस्तान को हराकर जीता है पुरुष एकल का खिताब। महिला एकल का खिताब भी जो है भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर जीता है। तो इसका आंसर जो है बी नंबर होगा, ऑप्शन नंबर बी भारत ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट 2023-24 में जल जीवन मिशन हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है। तो ये जो है जल जीवन मिशन के लिए 70,000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित किया गया है 2023-24 में। जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 79,590 करोड़ रुपया राशि आवंटित किया गया है। मनरेगा के तहत जो है के लिए 60,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है, और प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के लिए भी जो है 60,000 करोड़ रुपया ही आवंटित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आए चक्रवात तूफान विपर्जॉय का नामांकन किस देश ने किया है। तो इसका नामांकन जो है बांग्लादेश ने किया है। मोचा तूफान का नामांकन जो है यमन ने किया है। मेंडरस तूफान का नामांकन यूएई ने किया है, और सितरंग तूफान का नामांकन जो है थाईलैंड ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया है। तो इसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री के द्वारा जो है 28 मई 2023 को किया गया है।
इसका डिजाइन जो है बीमल पटेल के द्वारा किया गया था और इसका आकार जो है त्रिकोणीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सामूहिक व्यापार संगठन यानी IMO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है लंदन में स्थित है। इस संगठन की स्थापना जो है 1948 में किया गया था। इसका उद्देश्य जो है नौ परिवहन क्षेत्र में सुरक्षा नियमों का निर्धारण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना किस वर्ष किया गया है? तो इसका स्थापना जो है 1949 ईस्वी में किया गया है। इसका मुख्यालय जो है न्यू दिल्ली में है। कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना भी 1949 ईस्वी में ही किया गया है। लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना जो है 1954 ईस्वी में किया गया है। अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड की स्थापना जो है 1953 ईस्वी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शौचालय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये जो है 19 नवंबर को हर साल विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। विश्व युवा दिवस जो है हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस जो है हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व साक्षरता दिवस जो है 8 सितंबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति निम्न में से कौन सा है? तो पहले व्यक्ति जिन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया उनका नाम माखनलाल चतुर्वेदी है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति देविका रानी है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति जो है जी शंकर कुरूप है। सरस्वती सम्मान प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति हरिवंश राय बच्चन है। व्यास सम्मान प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति जो है रामविलास शर्मा है और मूर्ति देवी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति जो है सी के नागराज राव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉर्च सर्च लाइट और वाहन की हेडलाइट्स में बल्ब रखा जाता है? तो इसमें बल्ब जो है प्रकाश के फोकस के बहुत करीब रखा जाता है। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 की घात के रूप में 13 का मान क्या होगा? तो 13 का मान जो है 10^12 को 13 कहा जाता है। 10^-12 को जो है पीको कहा जाता है। 10^18 इसको एक्सा कहा जाता है और 10^-15 को फेप्टो या फिर फर्मी कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को क्रमशः किस लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है? तो मायोपिया को यानी कि निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है। इसमें जो है निकट की दिखाई देता है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है मायोपिया में। इसमें लेंस की गोलाई बढ़ जाती है और फोकस दूरी जो है घट जाती है। और हाइपरमेट्रोपिया में जो है दूर की वस्तु दिखाई देता है, नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देता है। इसमें लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, लेंस की गोलाई जो है कम हो जाती है और फोकस दूरी बढ़ जाती है और तथा क्षमता जो है घट जाता है। इसमें हाइपरमेट्रोपिया में जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर एक सही है, मायोपिया में अवतल लेंस और हाइपरमेट्रोपिया में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिंड का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, उसका वजन पूछ रहा है। तो उसका भार जो है पिंड का वजन बराबर क्या है? mg द्रव्यमान को कहा जाता है और जी जो है पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण को कहा जाता है। तो पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण का मान जो होता है 9.8 होता है और द्रव्यमान जो है 2 kg दिया गया है, तो इसको 2 से गुणा कर दीजिएगा तो इसका आंसर 19.6 न्यूटन ये इसका मान आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है? तो ये जो है वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है ये। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ने में सक्षम होते हैं इसलिए वे ध्वनि की किस विशेषता का उपयोग करते हैं? तो चमगादड़ जो है उच्च आवृत्तियों के साथ अल्ट्रासोनिक तरंगों का उत्सर्जन करता है। इस तरंग की सहायता से ही जो है अंधेरे में उड़ने में सक्षम होते हैं। तो इसका आंसर नंबर 1 सही होगा, अल्ट्रासोनिक तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा के अच्छे अवशोषक जो होते हैं ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। किरचॉफ के विकिरण नियम के अनुसार जो है किसी दिए गए तापमान पर
किसी पिंड के अवशोषक का गुणांक उसके उत्सर्जक के गुणांक के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से मिलान करने के लिए बोल रहा है, तो विद्युत धारा का जो है एम्पियर होता है, ताप का केल्विन होता है, ज्योति तीव्रता का जो है कैंडेला होता है, और पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा 3, 1, 2, 4। 3, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसका मूल इकाई जो है सात होता है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त किसका मान दर्शाता है? तो ये जो है प्रधान क्वांटम संख्या का मान दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करें। तो ऑप्शन नंबर एक है, अम्लीय वर्षा ज्यादातर नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण होती है। तो ये बिल्कुल सही है, अम्लीय वर्षा जो है नाइट्रोजन और सल्फाइड के ऑक्सीजन के कारण ही होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन परत के संरक्षण के लिए, क्षरण के लिए जो है जिम्मेदार है। ये भी बिल्कुल सही है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है बहुत ही जिम्मेदार है। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है ग्रीन हाउस प्रभाव जिम्मेदार है। चौथा और लास्ट नंबर ऑप्शन है, ओजोन परत सूर्य के अवरक्त किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने नहीं देता है। ये बिल्कुल गलत है, ओजोन परत जो है परावैगनी किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने नहीं देता है। तो इसमें से गलत ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरोसिस यानी कि अस्थि रोग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये जो है पानी में फ्लोराइड की उपस्थिति के कारण जो है फ्लोरोसिस रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन थर्मोसेटिंग बहुलक है? तो बैकेलाइट जो है एक थर्मोसेटिंग बहुलक है। ये जो है फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का क्रॉस लिक्विड थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अपचायक शर्करा है? तो सुक्रोज एक जो है नॉन रिड्यूसिंग शुगर एक कार्बोहाइड्रेट है, जिसे ऑक्सीकृत नहीं किया जा सकता है और अन्य पदार्थों द्वारा कम भी नहीं किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेनोल्फथेलिन एक सिंथेटिक संकेतक है जिसका रंग क्रमशः अम्लीय और क्षारीय विलयन में होता है। अम्लीय में ये जो है रंगहीन होता है और क्षारीय विलयन में जो है ये गुलाबी होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गर्म पानी में चीनी घोलकर चीनी की चाशनी बनाई गई, ठंडा होने पर चीनी के क्रिस्टल अलग हो गए, यह इंगित करता है कि भौतिक परिवर्तन जिसे उल्टा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, क्योंकि चीनी को ठंडा होने पर वो क्रिस्टल होकर अलग हो जाता है। ये जो है बहुत परिवर्तन है जिसे कि उल्टा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वे तत्व जो ऊष्मा और विद्युत का चालन नहीं करते हैं कहलाते हैं अधातु। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा इसका, जो तत्व ऊष्मा और विद्युत का चालन नहीं करता उसको अधातु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो नोड्स के बीच मौजूद तने के हिस्से को कहा जाता है, उसको इंटर नोड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा इसका। नेक्स्ट है, जूट पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? जूट जो है पौधे के तने से प्राप्त होता है। इसका प्रयोग रस्सी, बोरा आदि बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज और फल किसके द्वारा बनते हैं? अंडाशय से जो है फल बनते हैं और बीजांड से बीज बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्रेड में छिद्र किस गैस के निकलने से बनते हैं? तो ब्रेड में जो है छिद्र जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के निकलने से बनते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड किसके द्वारा निर्मित होता है? तो ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा जो है कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड निर्माण होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है एक नंबर होगा, राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर जो है
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और दूसरा जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसे प्रोटीन का उत्पादन और परिवहन करता है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें लिपिड का उत्पादन और परिवहन करता है, जो प्लाज्मा झिल्ली को ढांचा प्रदान करता है। ये तो इसका ऑप्शन नंबर एक सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचआईवी एड्स रोग नहीं फैलता है। ये जो है मच्छर के काटने से एचआईवी एड्स रोग नहीं फैलता है, तो इसका ऑप्शन नंबर एक सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? तो प्रोटोजोआ द्वारा जो है मलेरिया रोग होता है। यह रोग जो है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है तथा इसका वाहक जो है मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। इससे प्रभावित अंग जो है प्लीहा यानी कि स्प्लीन होता है, और इसके उपचार के लिए जो है क्लोरोक्विन नामक दवाई का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो इसमें से जो है विटामिन ए का निर्माण जो है हमारे शरीर में नहीं होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाले हार्मोन कौन से है? तो ये जो है TSH हार्मोन है, इसको थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहा जाता है। ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है। ये जो है थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित हार्मोन का काम करता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, क्योंकि 76 से लेकर 150 तक का जो है वो मैथ और रीजनिंग दिया हुआ है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली और वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद।